लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्वामी, क्या सोच रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं कि देवते गुरु शुक्राचार्य ने अचानक प्रकट होकर जब जब हमें आदेश दिए हैं, हम चकित रह गए हैं। हमारा मन उनके आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। क्षमा करें पिताश्री, देवते गुरु जो कुछ कहेंगे हमारे भले के लिए ही कहेंगे। हम देख रहे हैं राक्षस राज रावण की पुत्र वधु वही भाषा बोलने लगी है जो इसकी सास मंदोदरी बोलती रही है। मैं आपके हर वचन का पालन करूंगी पिताश्री, परंतु जो सत्य है उसे आप कैसे झुठला सकते हैं? कौन सा सत्य जिसे हम झुठला रहे हैं? बताओ सुलोचना, कौन सा सत्य? सत्य तो ये है पिताश्री कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य आप पिता पुत्र दोनों से प्रसन्न नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो मेरे आह्वान पर प्रकट हुए थे, युवराज मेघनाथ के आह्वान पर नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या शुक्राचार्य हम दोनों पिता पुत्र से रुष्ट हैं? क्या उन्हें हमारे उत्कर्ष से ईर्ष्या हो रही है? हमारी बात का उत्तर दो सुलोचना। मेघनाथ, क्या तुम भी यही समझते हो? पिताश्री, मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि दैत्य गुरु के प्रति इस प्रकार सोचना उचित नहीं होगा। शुक्राचार्य हमारे गुरु हैं, यदि वह किसी कारण हमसे अप्रसन्न हैं तो हमें उन्हें मनाना होगा, प्रसन्न करना होगा। सुलोचना की इस बात से मैं भी सहमत हूं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य लंकापति के उत्कर्ष से ईर्ष्या करेंगे, ऐसी बात तो मन में लाना भी अनुचित है पिताश्री। चुप रहो पुत्र वधु सुलोचना, हमारे धैर्य की बहुत परीक्षा ले चुकी हो तुम। तुम अपनी मर्यादाओं को तोड़कर आगे बढ़ने की चेष्टा कर रही हो। जब हमने स्वयं शुक्राचार्य के आदेश को ठुकरा दिया तो फिर तुम कौन होती हमें परामर्श देने वाली? सुलोचना को क्षमा कर दीजिए पिताश्री। सुलोचना, पिताश्री से क्षमा मांगो, तुम्हें पिताश्री को शुद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं मेघनाथ, नहीं चाहिए हमें ऐसी क्षमा जो केवल शब्दों तक सीमित हो। हम समझते हैं कि गुरु शुक्राचार्य इन दिनों हमारे किसी भी कार्य को समर्थन देना नहीं चाहते। उन्होंने जानबूझकर तुम दोनों को नागलोक भेजने का परामर्श दिया है। हम दुखी हैं ये देखकर कि हमारी महारानी मंदोदरी और पुत्र वधु सुलोचना दोनों शुक्राचार्य के अनुचित परामर्श को उचित मानती हैं। हमारे अपने ही लोग हमारा अपमान करने पर तुले हैं। नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी अपने स्वप्न में भी आपके अपमान की बात नहीं सोची है। स्वामी, अब हम क्या करें सुलोचना? पिताश्री की आज्ञा के विरुद्ध नाग लोग जाना हमें स्वीकार नहीं है। मेघनाथ सत्य कह रहा है सुलोचना। माता, इस धर्म संकट से हमें स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही बचा सकते हैं, परंतु अभी हमारे आह्वान कभी प्रकट नहीं होंगे, ये बात हम अच्छी तरह जान रही हैं। माता, मुझे तो किसी अनिष्ट की आशंका दिखाई दे रही है, आप ही बताएं हम क्या करें। तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहे सुलोचना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। Yeah.
तो हमारी बहन शूर्पणखा की चीख है। कौन दुष्ट है जो उसके पीछे पड़ा है? सैनिको, तुम्हारा इतना साहस? लंकेश्वर, यह स्त्री शत्रु की गुप्तचर है जो मुंह ढककर लंकापुरी में प्रवेश कर गई है। क्या तुम शूर्पणखा नहीं हो? मैं शूर्पणखा ही हूँ नानाश्री, मैं शूर्पणखा ही हूँ। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? विश्व विजयी रावण की बहन होते हुए भी मेरी जो दुर्दशा हुई है भैया, वो तुम नहीं देख पाओगे। ये मत पूछो कि मैंने चेहरा क्यों ढक रखा है। यदि तुम देखना ही चाहते हो तो लग देखो। तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करने का साहस किसने किया, बताओ शूर्पणखा? उन्हीं तपस्वी राजकुमारों राम और लक्ष्मण ने मेरी दशा की है भैया। पुत्र साहब की हत्या का प्रतिशोध लेने जब मैं उनके पास गई, लक्ष्मण ने मेरे नाम पर कान काट डाले। क्या कह रही हो? हमारे भांजे साम की हत्या हो गई। किसने की उसकी हत्या? उसी दुष्ट लक्ष्मण ने, जिसने मेरे नाम पर कान काट दिए। हम उसे अभी मृत्यु की गोद में सुला देंगे। लंकेश्वर रावण, लंकेश्वर रावण, लंकेश्वर की जय हो। लंकेश्वर, हमारी राक्षस जाति पर घोर विपदा पड़ी है। हमारे हजारों योद्धा मारे जा चुके हैं। अकेले राम ने अपने चमत्कारी बाणों से हमारे सैनिकों को मृत्यु की गोद में सुला दिया है और हमारे सेनापति खर और दूषर भी मारे जा चुके हैं। चुप हो जाओ, हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। नानाश्री, उन दोनों दुष्टों को हम सीधा स्वयंवर में देख चुके हैं। उनमें इतना साहस कहां कि खर और दूषण का वध कर सके? उन्होंने तुम्हारी शक्ति को ललकारा है भैया। यदि तुमने खर दूषण और पुत्र सांप की मृत्यु का प्रतिशोध उन लोगों से नहीं लिया, यदि तुमने मेरी इस दुर्दशा का दंड उन लोगों को नहीं दिया, तो तुम्हें लंकेश्वर कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। बहन शूर्पणखा, रावण, देवताओं और मनुष्यों ने मिलकर अपनी सारी शक्ति हम राक्षसों के विरुद्ध लगा दी है। यदि हम इस समय भी चुप करके बैठे रहे तो हम सदा सदा के लिए चुप कर दिए जाएंगे। पिताश्री, ये सब सुनकर मेरा रक्त उबल रहा है, मुझे दंड का अरण्य में जाने की आज्ञा दीजिए। हमारे अतिरिक्त वहां कोई नहीं जा सकता। हमने निश्चय किया है हमारी बहन शूर्पणखा के साथ होने वाले दुर्व्यवहार तथा हमारी राक्षस शक्तियों को ध्वस्त करने वालों को हम अकेले ही नष्ट करेंगे। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मार्ग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मैनकाराय नमः शिवाय। भैया राम, भैया आप यहां बैठे क्या कर रहे हैं? आज कितनी देर लगा दी आपने स्नान करने में? उधर सीता भाभी आपके लिए बहुत चिंतित हैं। हाँ लक्ष्मण, आज पूजा आराधना में ऐसा खोया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। मैं यहीं बैठा बैठा अपने इष्ट देवताओं को याद करता रहा। इन दिनों का व्यस्त रहा पूजा करने का अवसर ही नहीं। सच लक्ष्मण, पूजा और आराधना से मन को बड़ी शांति मिलती है। हाँ भैया, आपने सत्य कहा। राम, लक्ष्मण, तुम दोनों को यहीं समाप्त करके हम अपने प्रतिशोध की आग को बुझाएंगे और फिर सीता का हरण करके उसे लंका ले जाएंगे। भैया अब शीघ्र चलो। राम, भैया वो देखो। सावधान लक्ष्मण। हाँ।
चलो लक्ष्मण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण, शिवशंकर प्रणाम। रावण, तुमने मेरे दिए हुए चंद्रहास खड़क का दुरुपयोग करके उसे नष्ट कर दिया है, इसीलिए तुम मेरी कृपा के नहीं कोप के पात्र बन गए हो, कोप के। अब से तुम्हारी सारी शक्ति और सिद्धियां एक एक करके नष्ट होती चली जाएंगी। भोले शंकर, शिव शंकर। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। लंकापति, आप यहां? हाँ महाराज, हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। नहीं नहीं लंकापति नहीं, मैं अब आपको किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दे सकता। मैं भूल जाना चाहता हूं कि मैं कभी राक्षस भी था। महाराज, हम तुम्हें फिर से राक्षसी वृत्ति अपनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो फिर क्या चाहते हैं आप मुझसे? तुम ताड़का यक्षिणी के पुत्र हो, जन्मजात तुम्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हैं, तुम जब चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हो। हम चाहते हैं कि तुम नया रूप धारण करके हमारा साथ दो। मेरी माता ताड़का यक्षिणी से राक्षसनी बन गई थी और इसी कारण मुझे राक्षसों में सम्मिलित हो जाना पड़ा था, परंतु अब मैं। हम जानते हैं कि तुम ऋषि बन गए हो, हम भी जन्मजात ब्राह्मण है महाराज, हम तुम्हारे ऋषि होने का सम्मान करते हैं। ये तुम हमें इस तरह क्यों देख रहे हो महाराज? तुम अभिमानी राक्षस राज लंकापति रावण होते हुए भी इतने विनम्र कैसे हो गए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं लंकेश। हम तुम्हें समझाते हैं, तुम इसी वन में आए हो जहां हमारी बहन शूर्पनखा अपने बेटे साम और खर दूषण के साथ आई थी लंकापति रावण का शासन सुदृढ़ करने के लिए, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ हाँ, मैं ये जानता हूं कि खरदूषण और तुम्हारे उद्दंड राक्षसों ने मिलकर यहाँ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे वनवासियों और ऋषि मुनियों पर अकारण अत्याचार किए और उसके फलस्वरूप राम ने उन्हें परलोक पहुंचा दिया। इस कथा को दोहराने से कोई लाभ नहीं है। नहीं, हम वो कथा नहीं दोहराएंगे, अब हम एक नई कथा का प्रारंभ करेंगे और उसके लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है। अब इस वन से राक्षसों का वर्चस्व समाप्त हो चुका है लंकेश, अब इस झूठी आशा में मत रहो कि इस दंड कारण में फिर से तुम्हारा शासन स्थापित हो जाएगा। अरे तुम भूल गए हो कि तुम हमारे कल भी आदिन थे और आज भी हो। तुम हमारी वरदान शक्तियों को भुलाकर हमसे अभद्र व्यवहार कर रहे हो। अब हम तुम्हें समझाएंगे नहीं, आदेश देंगे। हाँ हाँ, यही तो मैं चाहता था कि तुम अपने असली रूप में आओ। अब दो आदेश, क्या करवाना चाहते हो तुम उससे? तो सुनो, तुम एक अद्भुत स्वर्ण मृग बनकर राम की कुटिया के आसपास चौकड़ी भरोगे और सीता को लुभाने का प्रयास करोगे। उसको पकड़ कर लाने के लिए तुम राम और लक्ष्मण को विवश कर दोगे। लंकेश, क्या तुम्हारी राक्षसी शक्ति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है जो तुम इस कपट का आश्रय लेना चाह रहे हो?
राम के चमत्कारी अस्त्रों शस्त्रों से टकराना मूर्खता होगी। हम झूठे अभिमान में आकर पहले जैसी मूर्खता नहीं करना चाहते। स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कहते लंकेश कि तुम मेरी मृत्यु चाहते हो? अरे तुम्हें हमारा आदेश स्वीकार है या नहीं? नहीं नहीं लंकेश, ना मैं इस कपट योजना में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। और वैसे भी राम ऋषियों की रक्षक है और मैं भी एक ऋषि हूँ। मेरी अंतरात्मा इस कपट का खेल खेलने को तैयार नहीं है। और हम भी अपने आदेश की अवहेला सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं। अरेज, यदि तुमने हमारी आदेश की अवहेला की तो हम इसी समय इसी खड़क से तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। रावण के हाथों मरने से तो श्री राम के हाथों मरना कहीं अच्छा है। तेरा उद्धार तो हो जाएगा। हाँ, तेरा उद्धार हो जाएगा मारीच। ठीक है लंकेश, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं। आपने इतनी देर कहां लगा दी स्वामी? अपने आराध्य की आराधना में, जानती हो सीते, खरदूषण जैसे भयानक राक्षस मारे जा चुके हैं, परंतु यह ना समझ लेना कि राक्षस चुप बैठ जाएंगे। वे कोई ना कोई बात अवश्य मचाएंगे, इसलिए इसलिए अपने आराध्य का स्मरण तो करना ही चाहिए भाभी। देखिए सीते, मुझे तो कोई स्वर्ण मृग नहीं दिख रहा है। नहीं, मैंने तो अभी अभी देखा था।